लाड साहब देखो कितने मजे में सो रहे हैं, मजे में लेटे पड़े हैं। क्यों क्यों लाड साहब, हाँ नींद आ रही है? हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, फिलहाल मैं बता दूँ आपको, घर आया हूँ आज मैं, और कंस्ट्रक्शन का काम लगभग लगभग हो ही रहा है, लेकिन कोई ना कोई नेक लगी जा रही भाई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम हो गया है। और ये देखिए, सबसे पीछे पीछे देखिए, ये सब तो कम्प्लीट ही हो गया है, मैं देख ही नहीं पाया था। इधर इधर इन लोगों ने टंकी तोड़ दी थी, इसके कारण जो है ये लोग को बांध दिया गया है। तो दिखाते हैं अभी क्या क्या काम हो गया है। ये अभी गेट नहीं लगा हुआ था, गेट पहले लगा है, और ऊपर छत भी पड़ गई। ये पूरा सब खुला खुला था पूरा, ये पूरा हो गया है। और ये देखिए, प्लास्टर तक के पूरा पूरा हो गया है, सब सब प्लास्टर हो गया, उधर सब प्लास्टर हो गया। अरे ये क्या, ये तो मैंने देखा ही नहीं। वाह भाई वाह, ये मिट्टी पड़ गई है यहाँ पेड़ लगाने के लिए। वाह, काफ़ी खूबसूरत लगेगा, पेड़ लग जाएंगे। और इधर भी पूरा प्लास्टर हो गया है, देखिए इसके अंदर। अरे वाह सही है, टाइल वगैरह लगेंगे। ये क्या, इधर साइड में लेटरिन वगैरह हो जाएगी, और इधर ये हो जाएगी। ये क्या, ये दीवार भी की लगा दी गई? अरे मुझे पता ही नहीं था यार, ये भी दीवार कर दी गई। सही है यार, पहले ये दीवार नहीं थी, पहले ये वाली दीवार नहीं थी, और अब ये जो है ये दीवार बन गई है, कतई मतलब अलग हो गया है मुझे। और इधर साइड में भी लेटरिन बनेगी, पहले जो है यहाँ पे लेटरिन थी और इधर पूरा बाथरूम था, लेकिन हमें मैंने देख ही नहीं पाया ये कब दीवार बन गई, मैं था नहीं ना यार। तो यहाँ पे लेटरिन हो जाएगी, ये बाथरूम हो जाएगा, और ये एक और लेटरिन हो जाएगी। घर में टोटल मिला के यार कितनी लेटरिनें हो जाएंगी, पूरे घर में लेटरिन बाथरूम ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एक अंदर है लेटरिन और एक बाहर है, दो बाहर हैं और दो ऊपर हो जाएंगे। एक दो तीन चार, पांच लेटरिन हो जाएंगे और बाथरूम हो जाएगी एक दो तीन, तीन बाथरूम हो जाएंगे। वाह वाह भाई वाह, तो सही है, सब लोग अलग अलग नहाएंगे, लेटरिन करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आपको मैं नीचे भी दिखाता हूँ यार, नीचे भी काफ़ी काम हो गया, टाइल वगैरह का भी काम हो गया। और देखो सीजू कितना आराम से लेटा पड़ा है, सीजू लाड साहब देखो कितने मज़े में सो रहे हैं, मज़े में लेटे पड़े हैं। क्यों क्यों लाड साहब, हाँ नींद आ रही है? धूप सेक रहे हो, धूप धूप सेक रहे हो, क्यों धूप सेक रहे हो सिजू, बोलो ठंड लग रही है? ये भी तो जानवर ही हैं, हालांकि ये भी तो लिविंग थिंग्स ही हैं, जो यार उनको भी तो ठंड लगती है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है यार कि ठंडी नहीं लगेगी यार। मतलब धूप में आने के बाद ठंड कतई बिल्कुल कम ही हो गई, नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो नीचे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं, ठीक है, कि नीचे की भी क्या क्या हुआ हुआ है। और यार ऊपर तो पूरा सब कबाड़ पड़ा है, सब कबाड़ हो रखा है इस टाइम। कोई नहीं, जब सब कुछ बन जाएगा ना, सब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो फिर नीचे आपको लेके चलते हैं। ये देखो पूरा ही बिछा हुआ है, बिछा के ऐसे सो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। पता है बढ़िया, ये ऐसे कर दो आराम से हैं, और यहाँ पे मतलब एक रूम में पार्टीशन डाल दो और बिछा के बिस्तर सो जाओ। ऐसे तो मुंबई वगैरह में होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, पर ऐसे पार्टीशन डाल देते हैं, नीचे सो जाते हैं लोग, कुछ लोग ऊपर सो जाते हैं। सही है यार, देखो तो बिस्तर ऐसे बिछा लो आराम से। ओके, अरे ये पहाड़ बना हुआ है ना, इसके चक्कर झुक झुक के जाना पड़ता है, वो पीओपी का काम हुआ है ना इसके कारण। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या काम हो गया है। ये टाइल वगैरह लग गई है, और ये पूरा सब पीओपी का भी काम हो गया ऊपर, ये देखिए पूरा भाई साहब पीओपी का पूरा काम हो गया। इधर बहुत लेट में किया, ये भी पीओपी के लिए बनाया है पहाड़, लेकिन आ नहीं रहे ये लोग। और ये देखो टाइल ये वाली लगी है, साफ हो जाएगा ना तो बहुत गजब का लगेगा। और दूसरे कमरे में भी दिखा रहे हैं आपको यार, ये झुक झुक के जाना पड़ रहा है बहुत। ये हॉल का है, ये हॉल में भी ऐसा ही है, हॉल में इसकी डिजाइन ऐसी है, ये देखो
ऐसी है, सही है, देख रहे हो आप ऐसी ही डिजाइन है, सही है, हॉल बड़ा ही है लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो लेटरिन बाथरूम भी, लेटरिन बाथरूम का भी पूरा हो गया, लेकिन अभी यहाँ टाइल नहीं लगे हैं, टाइल लगने हैं सब। ये देखो सांप जैसे ऐसे 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 बनाएगा, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ भी टाइल भी लगने हैं। और अभी बाहर भी टाइल लगने हैं, बाहर भी दिखा देते हैं कि ये क्या, ये बाहर का है, यहाँ भी टाइल लगना है सब। क्या देख रहे हो सांप जैसे ऐसे ऐसे बने हैं, ये टाइल लगते हैं तभी बनते हैं ऐसे। चलो ये ग्रीलें भी लग गई, ये वाली जो ग्रिल है ये भी पहले नहीं लगी थी, ये लग गई हैं, सही है। चलो अंदर भी देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। ये हो गया देखो, इधर दरवाजा इधर लग गया, ये वाला लोहे का सही है, दो दो इंटेंशन हो गया, एक ये और एक ये, सही है ये भी। और ये सब ऊंचा हो गया सब, नीचे कोर बन गए हैं क्या, सही है, पाइप ढकने का मतलब हो गया, सही रहेगा है। कुछ हाँ कुछ रख भी दिया जाएगा, हाँ कुछ रख भी दिया जाएगा, सही रहेगा, वही तो बात है, हाँ वही तो, ऐसे डिजाइन लग रही है, और नहीं तो क्या, फूल वूल भी रख सकते हैं इसमें। और देखते हैं क्या क्या हुआ है। ये देखो ये मम्मी के मंदिर के लिए, मंदिर रखने के लिए, सही है, मतलब ये मंदिर वाला जो रूम था वो ये था, अरे लाइट बंद है, ये था रूम। और यहाँ देखो ये अलमारी बना दिया गया है, और ये मंदिर जो है वो यहाँ सेटल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी सही। मम्मी जो है कह रही थी कि यहाँ तक की वो करने को, लेकिन वो सही नहीं था, यहीं पे मंदिर रख जाएगा सही रहेगा। अपनी टीवी जो है ये हॉल में चली जाएगी, ये सोफ़ा वगैरह भी सब हॉल में चला जाएगा। और इधर साइड में और आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये भी बनी यार ये, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं कर दी है इन लोगों ने, कुछ ज़्यादा चौड़ी लग रही है कुछ, मतलब इतनी होती तो सही रहता है, कुछ ज़्यादा, लेकिन सही है, ये भी सही है। पता है क्या करेंगे, ऐसे जो है खोलेंगे, इधर खोलेंगे और इधर कपड़े रखेंगे नीचे सब, मतलब बिल्कुल अलमीरा जैसा हो जाएगा, जैसे नहीं लोहे की अलमीरा होती थी, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। सभी मिस्त्री तो आ गए हैं, टाइल वाले भी और पीओपी वाले भी, राजमिस्त्री पता ले जा रहे थे, तो चलो फिर फिलहाल देर हो गई इन लोगों को। कहाँ बैठे गए बाथरूम में जो है वो टाइल लग रहा है, और टाइल भी उसका कुछ डिफरेंट तरीके का, पता है वो वॉल वाला है, और नहीं वॉल वाला नहीं, वो फ्लोर वाला है, वो वॉल में लग रहा है बाथरूम में, लेकिन काफ़ी बढ़िया ग्लोसरी वाला है, तो हॉल में भी ग्लोसरी वाला लगा था, काफ़ी चमकदार है बिल्कुल शीशे जैसा, तो चलते हैं मैं दिखाते हैं आपको। क्यों भैया लग रहा है आराम से, ये दो बाई दो का, चलो सही है। बाथरूम का साल कुछ इस तरीके का है, लेकिन इसमें शायद वेस्टेज पार्ट निकलेगा क्या ज़्यादा, बाथरूम बड़ा रहेगा वेस्टेज नहीं निकलेगा, छोटा रहेगा। क्या सुजू हैं, नहीं क्या हो गया, अभी एक पैर रख देगा मर जाओगे, क्या हो गया पैर में, क्या हो गया पैर में, क्यों सिजू, ए पैर में क्या हो गया,
अरे नहीं, अरे नहीं छोड़ दो भाई, अरे छोड़ दो, आ जाओ। चलो जाओ, चलो चलो जाओ जाओ। तुम्हारे पैर में क्या हो गया? देखे देखे इधर, ओए नहीं, पैर में क्या हुआ देखें तुम्हारे? ओए बिजू देखें पैर में क्या हुआ, देखें 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 देखे तो देखें पैर में क्या हुआ, देखें देखें देखें, चोट लगी क्या हैं? चोट लग गई? सभी मिस्त्रियों ने अपने कोरियर बिस्तर बांधना स्टार्ट कर दिया, सबको जाने जाने की तैयारी नई स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे सब अपना हाथ मुँह धोके क्या रोकना तीनों बंद करा लो भाई। ये देखो कपड़े लत्ते पहन के सब जेंटलमैन, देखो कितनी जल्दी तैयार हो गए, पहना भी नहीं पड़ा, आए बहुत लेट होते ये लोग। रहने दो जाओ, अब चलो चलो जाओ, खा लिया ना, चलो निकलो, चलो जाओ। गाइस फिलहाल सभी मिस्त्री लोग तो चले गए हैं, और आपको बता दें कि यार काम बहुत ज़्यादा अभी बचा है, मतलब एक महीना पूरा पूरा हो भी गया है ना, उसके बावजूद भी यार पूरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी सारी टाइल्स मतलब दो कमरों की भी पूरी फिनिशिंग भी नहीं हुई है, टाइल्स बाकी है, पीओपी पूरी घर की बाकी है, और पुट्टी बाकी है, सब कुछ अभी पेंट शेंट सब कुछ बाकी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है भाई बीच में काम रोकना भी पड़ सकता है, लेकिन कोशिश तो यही किया जाएगा कि सब हो जाएगा। अभी ऊपर का जो बाथरूम और वगैरह है वो सब भी अभी यार क्लियर नहीं हुआ है, कुछ सीट वगैरह नहीं रखा है, तो ठीक है देखते हैं क्या करना है यार, अब वो तो रहा ही धीरे धीरे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।